हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी सावित्री टू ऑल। आप सबको सावित्री का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोगों का पूजा खत्म हो चुका है, जैसे आप लोगों ने देखा पूजा इतना साउंड कर छोटू छोटू। तो हम लोग ये अभी पूजा खत्म करके सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को सावित्री का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं मैं कैसे शॉपिंग की सावित्री के लिए। तो ये एक दिन पहले वाला वीडियो है, उस दिन थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाई थी। ये मैं गई थी कुछ फ्रूट्स खरीदने के लिए। ये मैं गई थी करीब मतलब वही दोपहर टाइम पे गई थी। और देखिए लोग सब बैठे हैं इतने धूप में भी। और यहाँ से देखिए जो जो मिलता है पूजा सामग्री वो सब मैं ले आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ना यहाँ पर बारिश हुआ था, तो थोड़ा सा पानी ऐसे रिमझिम टाइप का गिरा था और हवा टाइप का हुआ था, तो चारों तरफ थोड़ा सा ऐसे हो गया है। और यहाँ पे भी देखिए बहुत जन बैठे हैं। आजकल ना ये बैग बहुत मिल रहा है, मेरे को ये बैग बहुत पसंद है। किसी को भी मतलब गिफ्ट में दे दो कुछ सामान डाल के तो बहुत अच्छा रहता है। और ये देखिए ताल, ताल कौन कौन खाते हैं ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पर लेने के लिए आए थे। यहाँ पर देखिए ताल को कट करना तो घर में पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसी के लिए यहाँ से ही कट करके हम लोग वो निकाल के भी दे देते हैं। तो मैं ले आई वहाँ से, और वहाँ से घर में सारा सामान रख के ये मिस्टर पुरोहित लाके मुझे छोड़ दिए हैं पार्लर में। और यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने के लिए आई थी। मौसी फ़ोन किए थे कि पार्लर में दो जन हैं मेहंदी लगा दे रहे हैं, अगर लगाना है तो आ जाना। तो इसीलिए मैं बस उनसे फ़ोन में बात की और तुरंत ही आ गई यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए। तो आप लोग देखिए मैं कैसे मेहंदी लगा रही हूँ, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो में आपको मेहंदी लगाने के साथ साथ और बहुत सारा चीज़ भी देखने के लिए मिलेगा। हमने कैसे सावित्री का पूजा किया वो भी इसी वीडियो में है, आप लोग देखते रहिए सावित्री स्पेशल वीडियो। चलिए और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग रेडी हो चुके हैं सारा सामान इकट्ठा करके, सारा मतलब सब सामान यहाँ पे देखिए मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। मेरा एक वीडियो आएगा, मेकअप वीडियो, वो बाद में आप लोग देखना नेक्स्ट, पहले सावित्री वाला वीडियो देख लीजिए। और ये देखिए मैं यहाँ पे ना मुरजा डाल रही थी झोटी मतलब पूजा करने के लिए, यहाँ पर भगवान जी को स्थापना करेंगे ना इसीलिए। तो बस ये हो गया है कम्प्लीट, और यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं कलर्स भी, और अभी दिया जलाएँगे और पूजा स्टार्ट करेंगे। इस बार का पूजा थोड़ा सा बाकी टाइम से जल्दी किए, क्योंकि मुहूर्त जिस टाइम पे था बोले थे पंडित जी को फ़ोन करके पूछे थे, तो थोड़ा सा जल्दी मुहूर्त था। तो हम लोग ये पूजा मतलब इस बार पूजा 12 बजे ख़त्म हो गया था। और देखिए यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे थे तो स्टार्ट, तो जैसे हम लोग थाली में रखते हैं और यहाँ पे ना चावल धुला हुआ चावल को दोनों हाथ से यहाँ पे देते हैं यहाँ पे, और उसको पूजा किया जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको मैं भूल गई, उसमें दो सुपारी देते हैं। दीदी बताते जा रही थी और हम लोग करते जा रहे थे। और ये चूड़ी और व्रत सिंदूर विंदूर सब लगा के पूजा किया जाता है। दीदी बता रही थी एक एक करके हम लोग कर रहे थे। पहले कलश पूजा जैसे होता है, कलश को सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सब देते हैं, पेड़ में भी देते हैं साइड में, बर पीपल और तुलसी माता का भी पेड़ है साइड में जो रेड कलर का दिख रहा है ना ये वाला, मैं दिखाऊंगी आपको आगे। और यहाँ पे सब बेलपत्ता फूल देके पूजा करते हैं। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, वो जो साइड में दना में दिख रहा है ना येल्लो येल्लो, हल्दी का एक एक बनाते हैं जूठी बोल के, उसको भी पूजा करते हैं। और ये देखिए पेड़ यहाँ पर है, और ये तुलसी माता को वस्त्र दिया जा रहा है। मैं एक हाथ में फ़ोन पकड़ी हूँ, एक हाथ में वस्त्र दे रही हूँ, फिर फ़ोन रख के अच्छे से उनको दी। और देखिए ये वाला हो गया है हमारा कंप्लीट सब। अभी ये देखिए येलो येलो कलर का जो हल्दी का दिख रहा है वो है, ये हम लोग कमल का फूल दे रहे हैं, और फल जो चढ़ाना रहता है वो चढ़ा रहे हैं। वो हल्दी का पूजा होता है बड़ा, आप हमेशा देखते होंगे हमारे घर में जब भी ये पूजा होता है यहाँ पे हल्दी आपको दिखता होगा। और मैं यहाँ पे बुक पढ़ रही थी, दीदी और स्वाति सुन रही थी, स्वाति प्रसाद के लिए सब रेडी कर रही थी यहाँ पर।
वो इधर बैठी थी दीदी वहाँ पे, और मैं बुक पढ़ रही थी और बुक सुन रहे थे दोनों। और हम घर में ही पूजा कर लेते हैं, बाहर नहीं जाते। जैसे आसपास में बहुत जन करते हैं अपने अपने घर में, वो लोग लेडीज़ लोग मिलके, जहाँ पे बहुत भीड़ हो जाता है ना, बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं ताकि कम जन में अच्छे से पूजा हो जाए। तो हम लोग तो तीन है बोल के हम लोग ऐसे ही घर में कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा अभी प्रसाद रेडी कर रही है स्वाति, और मैं फ़ोन दी हूँ छोटू को। छोटू शूटिंग कर रहा था, बोल रहा था कि आज से मैं कैमरामैन बन जाऊँगा, अच्छे से शूट करने लगा हूँ, सब अच्छे से कर रहा हूँ बोल के। मैं बोली हाँ चल अच्छा है, तू मेरा कैमरामैन बन जाना। और ये देखिए वो सावित्री का जो बुक है वो मैं पढ़ रही थी, और वो कंप्लीट हो चुका है। अभी प्रसाद भी लगा दिए हैं यहाँ पे। देखिए फल हमारा तरबूज पिंक कलर का निकला, रेड वाला नहीं था। पता नहीं मिस्टर पुरोहित छांट के लाए थे, उसको कट करके लाना चाहिए ताकि रेड है या नहीं पता चलता है, लेकिन वो कट करके नहीं लाए, ऐसे ही वो दे दिया, ये ले आए। और अंदर पिंक पिंक वाइट वाइट था, जो कि मीठा बिल्कुल नहीं लगता है। और ये आरती कर रहे हैं कितना ज़ोर ज़ोर से, मैं इसको स्पीड कर दी हूँ ना इसीलिए। आरती करने के बाद फिर और भी पूजा है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए पहले थोड़ा सा आरती ले लेते हैं। आरती करने के बाद दो आरती होता है, फर्स्ट एक आरती होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं, जो लास्ट आरती होता है सब लोग लेते हैं। ये मैं ले रही थी, दीदी भी ले ली, स्वाति भी ले लेगी उसके बाद। ये देखिए पूजा हो चुका है कम्प्लीट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बेढ़ा परिक्रमा कर रहे हैं। बेढ़ा तो मतलब जहाँ पे है वो तुलसी माता का पौधा, वहाँ उसके चारों ओर तो नहीं कर सकते, ऐसे ही करके घूम के वहाँ पे अर्पण कर दे रहे हैं पूजा। और दीदी मैं और स्वाति फिर आएगी, स्वाति पूजा रूम में गई थी कुछ सामान लाने के लिए, तो मैं यहाँ पे दे दे रही थी, ये भी आ गई स्वाति। चलिए इस बार का बेड़ा घूम लेते हैं, स्वाति भी घूम रही है। और छोटू आके हम तीनों को चिढ़ाता रहता था बीच बीच में, आके एक एक कुछ कुछ ऐसे बोल के हंसाता रहता है। और ये देखिए स्वाति का भी बेड़ा कंप्लीट हो गया, तो हमारा पूजा हो गया। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भगवान सबको बहुत अच्छे से रखें, सबका मंगल करें, दुनिया जितना भी मतलब परेशानी है सब कुछ दूर कर दें। अगर भी आ रहा है परेशानी तो उसको मतलब उसका सामना करने के लिए उतना ताकत दें भगवान कि हम लोग सारा जो तकलीफ़ है परेशानी है सबका डट कर सामना कर पाएँ। और देखिए ये मैं अभी अर्घ्य दे रही हूँ, दूध दही जो रहता है ना वो पंचामृत ये करके सब अर्घ्य दिया जाता है इधर भगवान जी के पास पेड़ में, उसके बाद पानी से फिर से दिया जाता है। और ये स्वाति शूट कर रही थी, और मेरा छोटू कहाँ ऊपर चढ़ के शूट कर रहा था अच्छे से आएगा बोल के, देखिए। और ये दीदी जीजाजी को मतलब थोड़ा सा पूजा जो करते हैं ना ये के बाद कर रही थी, तो जीजाजी ना जस्ट पूजा कंप्लीट करके आए थे, तो उनको अच्छे से मैं शूट नहीं की, थोड़ा सा साइड से कर रही थी, वो अपना धोती वोती पहन के थे। और ये मिस्टर पुरोहित भी आ गए, उनको मैं पूजा कर रही हूँ, तो पहले पैर धो लेते हैं, वो भी नहा धो के आके अपना पूजा पाठ कंप्लीट करके आ गए हैं। तो पहले उनका चरण धो लेते हैं, चरण धो के वो पानी को पीते हैं, मैं साइड में रख लूँगी, उसके बाद मैं उसको पूछ रही थी साफ करके, उसको पानी को मैं बाद में पीऊँगी। चरणामृत बोलते हैं उसे, है ना, चरण का अमृत। और ये हम लोग का पोइता देते हैं ऐसे, और उसके बाद हम लोग का सिंदूर चंदन सब लगा के भगवान जी का उनको बंधाते हैं, बोलते हैं बंधाना। तो अभी उनको सब देंगे, ठीक है, जैसे सिंदूर दे दिए, चावल थोड़ा सा दे देते हैं, सब कोई का अलग अलग रहता है, बहुत जन तो पूरा थाली में पैर रख के धोते हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते। तो उसके बाद ये ध्रुवा रहता है 108 जो हम पूजा किए रहते हैं, उसको फिर उनको ऊपर से नीचे तक ऐसे पूजा करते हैं, और फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं। देखिए मैं भी ले रही हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ, वो भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये हो चुका है कम्प्लीट, उनको मैं थोड़ा सा प्रसाद दूँगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा प्रसाद दे देते हैं, वो भी प्रसाद थोड़ा सा खाएंगे। वो मुझे बीच में ना वीडियो में कट हो गया है, वो फिर सिंदूर भी लगाते हैं और सब करते हैं, उसके बाद देखिए मैं उनको प्रसाद दे दी, वो प्रसाद खा रहे हैं, तो उनको एक प्रसाद खिला दूंगी पहले, फिर वो मुझे खिला देंगे एक, देखते रहिए आप लोग वो कैसे खिलाएंगे, वो छांट रहे थे कौन सा फ्रूट्स खिलाएंगे मुझे, क्योंकि आज के दिन जो फास्टिंग रहता है ना फ्रूट्स खाते हैं ना, तो वो बस छांट के एक मैंगो खिलाए, उनको पता है मुझे मैंगो पसंद है इसलिए मैंगो खिलाए। और उसके बाद ये चरणामृत जो था वो थोड़ा सा मैं पी लूँगी। ये हो चुका है हमारा कंप्लीट, तो देखिए वो उनको मैं बोली कि आप सारा फ्रूट्स खा लो, वो खा लेंगे अभी। तो बस और क्या, ऐसे ही करके हमारा सावित्री ख़त्म हो गया पूजा। और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्स दे दिया है जो मैंने उठाया था दीदी लोग के साथ इनके साथ, तो चलिए फिर देखते हैं कुछ पिक्स।
और छोटा सा ब्लॉग था, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप लोग सावित्री कैसे सेलिब्रेट किए, और जैसे मैं बताई ये साड़ी गिफ्टेड है, मिस्टर पुरोहित ने बर्थडे में दिया था, ठीक है। तो अभी चलते हैं ऊपर, चलो सावित्री के लिए भी और एक गिफ्ट बाकी है, वो बाद में देंगे, अकेले में देंगे। नहीं ऐसा नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय 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 बाय।